गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम नए जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाउन प्लानिंग, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो दोस्तों फोर्थ या थर्ड में है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ सिलेबस जो है वो आपका इधर उधर हो जाता है कुछ सब्जेक्ट का, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टाउन प्लानिंग के इंट्रो के बारे में। तो टाउन प्लानिंग क्या है, इसके कुछ नियोजन के भाग हैं, टाउन प्लानिंग के पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग या ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग क्या है उसके बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप सामने प्रेजेंट टाइम नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए थे, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब मैंने इसके नोट्स क्रिएट किए थे। आज वही नोट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। ओके दोस्तों, तो टाउन प्लानिंग सभी नई इमारतों, सड़कों और पार्कों की योजना या एक प्रकार की डिज़ाइन है, ताकि उन्हें वहां रहने वालों लोगों के लिए आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जा सके। तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। टाउन प्लानिंग को नगर नियोजन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो कुछ भाग हैं जो टाउन प्लानिंग को बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सुंदरता, ब्यूटी। नगर नियोजन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम किसी नगर को डिजाइन करके सुंदर बनाते हैं, जिससे कस्बा या किसी भवन में सुंदरता आ सके। सिंपल सी बात है, ब्यूटी क्या मायने रखती है किसी भी बिल्डिंग के निर्माण क्षेत्र में, तो आप लोग सब जानते हो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट, हरियाली या वातावरण। किसी कस्बे या शहर को डिजाइन करते समय उस कस्बे या शहर के वातावरण का भी ध्यान बहुत ही आवश्यक है। सिंपल सी बात है। थर्ड टॉपिक है हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य। किसी भी अच्छे नगर नियोजन को डिजाइन करते समय उस नगर के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अच्छे पार्क और प्ले ग्राउंड आदि बनाने चाहिए। सिंपल सी बात है, जब आप लोगों के रहने के लिए सिंपल सी घर हैं, खाने के लिए हर चीज़ है, तो कुछ ना कुछ हेल्थ से भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए क्या प्ले ग्राउंड हो, पार्क हो, तो आप उसमें खेल सको, कुछ एक्टिविटी कर सको, ताकि हमारी बॉडी एकदम फिट रहे और अच्छे से अच्छा वर्क हम लोग कर सकें। फोर्थ टॉपिक है सुविधा। किसी भी नगर नियोजन का कार्य करते समय उस नगर का लोगों अनेक प्रकार सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लोगों के अनेक प्रकार के सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल होने चाहिए, खेलने के लिए मैदान होने चाहिए, रहने के लिए अच्छे अच्छे घर होने चाहिए, और एनवायरनमेंट भी होना चाहिए घर के अंदर, वेंटिलेशन भी होना चाहिए। नहीं कि अब घर के अंदर कुछ भी बना पका तड़का वगैरह लगा तो उसके अंदर जो भी मतलब गस है, गैस वगैरह है, वो निकल ही नहीं रही, वेंटिलेशन ही नहीं हो रही है, तो आदमी वैसे भी बीमार पड़ जाएगा ना। तो उसके लिए हमें सुविधा के बारे में लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो टाउन प्लानिंग के अंतर्गत ये आता है। आप लोग थोड़ी कल चीज़ें देख सकते हो, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज के अनुसार नोट्स बनाए हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने वीडियो बना भी चुका हूँ और वहाँ पे मैंने कुछ टाइम ही बताया था, लेकिन यहाँ पे और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग मतलब कि नगर नियोजन के सिद्धांत। तो नगर नियोजन की प्लानिंग एक सिद्धांत पर होती है। वो सिद्धांत क्या है, हम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एक अच्छी टाउन प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नगर नियोजन के लिए कलाशीलता होने के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, वास्तुकला, सर्वेक्षण आदि पहलुओं का होना अति आवश्यक है। नगर नियोजन के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। तो नगर नियोजन करते समय हमें तीन प्रकार के कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दे रखे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, फिर नगर
जोनिंग। शहर को वाणिज्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र आदि जैसे उपयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त नियम या कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये हमारे जोनिंग में आता है, मतलब कि हर एक नगर को जोन वाइज में डिवाइड कर देना चाहिए कि इस जोन में आपका ये आता है, इस जोन में ये आता है। हर एक जोन में हर एक प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि हमने ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग नगर नियोजन के भाग जो होने चाहिए वो जोनिंग के अंतर्गत जरूर फिट और एकदम सटीक बैठने चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड नंबर ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट हरी पट्टी, हरी पट्टी मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एक नगर नियोजन का एक सीमा होती है कि नगर नियोजन की सीमा है, इसके बाहर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाओगे। अगर करवाओगे तो आप उसी एरिया के अंतर्गत आने वाली या उससे बाहर आने वाली जो भी चीज़ें सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपका शहर है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपका ये शहर है या आपका ये एरिया है, तो यहाँ हमारी नगर पालिका है या नगर पंचायत है, तो उसने एक सीमा निर्धारित कर दी कि हमें इसके अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शन होगा हम उसी में सभी को सुविधाएँ प्राप्त करवाएंगे। अगर सपोज किसी ने यहाँ पर मकान बना लिया तो इस सीमा के बाहर चला गया ना, तो जो भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं नगर पालिका इस एरिया के अंतर्गत जो भी बने हुए हैं उनको दे रही है वो इनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, इनको प्रोवाइड होगी। तो ये सीमा जो होती है ना, यही सीमा होती है ग्रीन बेल्ट। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट, आवास। स्थानीय आबादी के अनुरूप आवास का सावधानी पूर्वक अध्ययन और डिज़ाइन किया जाता है। आवास मतलब कि आवास किस प्रकार से बनने चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए जो कि रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो सके। तो स्थानीय आबादी के अनुरूप आवास का सावधानी पूर्वक अध्ययन और डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि आबादी कैसी है उसी के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को उतनी ही एरिया, पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करनी चाहिए कि हाँ तुम इतने एरिया तुम्हें मिली है, इसमें चार लोगों के लिए सूटेबल है। तो हमने आज टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, नगर नियोजन के भाग मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग और प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग। तो दोस्तों मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने टाउन प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जो अगर आप लोगों को ये YouTube चैनल इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।